ये हौसलों की उड़ान है। हम नहीं हाँ पासाऊ खलासी को छुड़ाने आए हजरत साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बड़के भैया को ना निराश नहीं करोगे। मम्मी, पापा बहुत गुस्से में थे और उन्होंने विवन के पापा का कॉलर पकड़ा हुआ था। आदित्य, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद आपसे देखने में भूल हो गई होगी। अच्छा, आप ये सारी बातें छोड़िए, आप बाहर जाइए, चकोर आपका इंतजार कर रही है। बाबा, कोई हमारे ही घर में हमारे ही सामने आपको धमकी दे, उस इंसान के साथ हम इज्जत से कैसे पेश आए, ये आप हमें बताइए। हमें नहीं पता कि आपने आंख पे क्या पट्टी बांध रखी है, कि आपको इसमें भी हमारी गलती नजर आती है। क्योंकि जिसके गिरेबान पे आपने हाथ डाला था वो कमल नारायण का छोटा भाई है, और हम जानते हैं कमल नारायण की पहुंच कहां तक है और वो क्या कर सकता है। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन एक गुंडे से डर के आप अपने सिद्धांत भूल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि हम में ये हौसला नहीं है कि हम एक मामूली बंधुआ लड़की के लिए भैया जी से टक्कर ले लें, क्योंकि हम हमारे खानदान की सुख शांति को दांव पे नहीं लगा सकते। हमने ये नाम शौहरत बहुत ही मेहनत से कमाई है बेटे, और हम ये इजाजत किसी को नहीं दे सकते कि वो इसे दांव पे लगा दे या इसे मिट्टी में मिला दे, खुद अपने बेटे को भी नहीं। नाम और शौहरत आपके लिए बड़ी बात होगी बाबा, लेकिन हमारे लिए हमारे सिद्धांत और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आंख बंद करके हम गलत को सही नहीं मान सकते। वाह बेटे वाह, क्या बात कही, आज आपका सम्मान बाप के सम्मान से बड़ा हो गया है। हमें पहले से ही डर था कि ये लड़की एक ना एक दिन इस घर में तूफान खड़ा कर देगी। आदित्य, आदित्य, तो का मालूम है तुम्हारी वर्दी के कारण हम रविवान पर जून गुस्सा चढ़ा था सब उतर गवा। अरे आदित्य, यहाँ देखो और मुंह खोलो। अरे आदित्य, मुंह खोलो ना, मुंह खोलो ना, मुंह खोलो आदित्य। अरे चकोर आ। तुमने मुंह में तो रसगुल्ला भी नहीं है, तो काय मुंह फुला रहे हो? अरे आदित्य, क्या हुआ, कछु बोलो ना। अरे आदित्य, कछु बोलो ना आदित्य। हमें लगता है पापा किसी बात से बहुत नाराज है। बस इतनी सी बात? वो तो मेरे बापू भी नाराज हो जाते हैं जब लाखन चाचा का खेत में काम के पैसे नहीं देते। एक बार हमारे बापू तो गुस्सा में बिना रोटी खाए सो गए, और पता है फिर हम का किए? ईश्वर जी, आप कलेक्टर हैं, आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और हमने तो सुना था कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। हमने आपको बताया तो था ना, ये गोदना, ये निशान, ये सब इन गाँव वालों की परंपरा है, और ये निशान भी इनके डाक बाबा का आशीर्वाद है। अब भगवान के लिए प्लीज ये मत पूछिएगा कि ये डाक बाबा कौन है।
नहीं पूछेंगे, पर इतना जरूर पूछेंगे कि अगर सबकी कलाई पे वो निशान था तो उस बच्चे की कलाई पे क्यों नहीं था? बच्चों को दर्द होता है, इसलिए बड़े होने पर गोद ना कराया जाता। चकोर बच्ची नहीं है? नहीं, वो चकोर कुछ अलग किस्म की बच्ची है। वो ना कभी रोती है और ना उससे दर्द होता है। करेक्टर साहब, एमपी साहब सही कह रही है, ये यहाँ के जो गांव वाले हैं उनकी श्रद्धा का खेल है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, हमारे गांव में भी तो औरतें माथे पर बिंदी और गालों पर तिल गुदवाया करती है। ईश्वर, आपको याद नहीं है आपकी जो वो आया थी, उसने तो अपने पूरे हाथ पर गुदवाए रखा था। वैसे कुछ भी कहो, इस गांव के गोदने वाले की तारीफ करनी पड़ेगी। सबकी कलाई पे एक ही जगह एक ही साइज का निशान बनाया उसने। काफी बड़ा कलाकार मालूम होता है। सोचते हैं एक निशान अपनी कलाई पर भी गुदवाई ले। वो तो गुदवा ही देंगे, लेकिन पहले आप अपने माथे के बल कम कीजिए। मेहमान अभी गए नहीं। काड़े बहुड़िया, कैसा ले अपनी शकुड़िया, दिखी कि नहीं? काड़े इमली, बोल। मिली थी दादी, हमने दीदी हमको मिली थी। अच्छा, कैसे लग रही थी हमारी चकुरिया? बाल बहुत अच्छे से बनाई होगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनी होगी और पाँव में चप्पल भी होंगे। हवेली वालों की तरह लग रही थी ना? और तुम लोग को देखकर बहुत खुश होगी। कारे बहुरिया, खूब रोई होगी अपने कलेजे से चिपका के, हमारी चकुरिया बोली होगी, ना माए ना, रोते ना ही है। ये लड़की हमारी चकुरिया नहीं है, ये किसान हमारा कोई संबंध नहीं है।